हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। अगले 3 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे और क्या अगले 3 घंटों में आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल, आपको जो भी लेना है सेम नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। आपको AAA क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इंडिया में हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। और मैनिफेस्टेशन ऑयल आपको हेल्प करेगा आपके विशेष को मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ऑयल के लिए, क्रिस्टल के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर दिया है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है और कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स रिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स रिवर्स के लिए क्या है, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो। आपके एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएगी, रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, मेरे यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। वाव, रिबिड, वेरी नाइस, ब्लॉसम्स। जब भी ये देख लेती हूँ ब्लॉसम्स आना ही आना है यहाँ पे। सक्सेस ऑन ग्रोथ, यस। आपकी एनर्जी चेक कर लेते करंट में गाइड करो यूनिवर्स, इस तो फिर यूवर्स के एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। आपने तो फ्लो के साथ, आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, आप इस पर्सन का बहुत वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे 2-3 दिनों से ही नो कांटेक्ट में, आपके पर्सन ने आपको 2-3 दिन पहले ब्लॉक किया है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप 2-3 सालों से नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम भी हुआ है ब्लॉक करके फिर भी आपको लगने लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कितना टाइम हुआ मैंने तो बात नहीं किया, कितना टाइम हुआ मैंने तो देखा नहीं। बहुत तड़प हो रही है आपको करंट में इस पर्सन को देखने की, इनसे बात करने की, इनकी आवाज सुनने की, लेकिन आपके पर्सन ने अपने साइड से कंप्लीट आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। कहीं पे भी आप इनसे मतलब कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। इवन इन्होंने आपको क्लियर बता दिया होगा कि इनको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में कंप्लीशन जरूर आएगा, आपको इस बात पे भरोसा है और आपने यूनिवर्स के भरोसे इस रिश्ते को करंट में छोड़ा है फ्लो के साथ। आपको पता है कि आपके पर्सन फ्लो के साथ आपके पास आएंगे और इस रिश्ते में 100% कंप्लीशन आएगा, ठीक है। आप वेट कर रहे हो बस इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज कब आएगा, आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव एक्शन कब आएगा। नंबर 16, 28, 17, 2, 10, 7 आपके आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। नंबर 2, 2, 2 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है, आपके रिश्ते में बहुत कुछ नया आने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है ये बता रहा है, ठीक है। एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि और जेमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि स्ट्रांग है यहाँ पे, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस टाइम में रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो इस वक्त तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप देख पाओगे। रिबिल्ड है, इनको रिबिल्ड करना है, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए और ये आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं कि आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने ही नहीं देना चाहते, आपके पर्सन जैसे कि उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाकर आप इनके लिए, जैसे कि इनके घर वाले या तो इनका कोई दोस्त, इनको कोई तो है जो ऐसा बताता रहता है कि आप इस पर्सन के लिए सही नहीं हो, जैसे कि लव मैरिज कभी सफल नहीं होती, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, तो अगर इसे अपनाता है तो ये जिंदगी भर तेरे सर पे नाचेगी, तेरा जीना मुश्किल कर देगी। इनको ना ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बातें बोलने वाले लोग और आपसे दूर जाने के लिए मजबूर करने वाले लोग बहुत है इनके आसपास, लेकिन आपके पर्सन किसी की भी बात करंट पे नहीं सुनते हुए ये उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनके लिए अनलकी नहीं हो, लकी हो, आप इनका गुड लक हो, आप इनका गुड चार्म हो, आप इनकी ब्लेसिंग्स हो। आपके साथ ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड एनर्जीज महसूस करते हैं,
ढेर सारी खुशियां महसूस करते हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में किसी को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओपन अप हो रहे उनके सामने अपने दिल के सारी फीलिंग्स, ये किसी को बता रहे हैं कि ये क्यों आपके साथ रिश्ता फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रहे पर्सन आपको, डेडिकेटेड एफर्ट से बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अभी आपको कभी हारना नहीं चाहेंगे। सक्सेस एंड ग्रोथ चाहिए इनको इस रिश्ते में, आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अभी बात करूं, कल करूं, परसों करूं, इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन इनको आपके साइड से बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है। आप तो पॉजिटिव हो और आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना कंप्लीट बंद कर दिया है। ये भी एक एनर्जीज हो सकती है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अब आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हो, शायद आप इस पर्सन को अब जैसे कि अगर आपके रिश्ते की हीलिंग के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो आप हजार बार सोचोगे अब कि इनके साथ रियूनियन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन अपनी गलती को तो मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, इनको ये पता है, मतलब इनको अभी भी ये लगता है कि अगर इन्होंने आपसे मुआन भी किया था, आपको डिस्टेंस दिया था, या तो आप दोनों में रिसेंट पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, आप दोनों ने एक दूसरे को जो ब्लॉक किया था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। इनको अभी भी लग रहा है कि गलती आप ही की थी, क्योंकि आप इस पर्सन को थोड़ा भी समझते नहीं हो और आप बहुत ज्यादा मतलब अपनी ही चलाते हो, ठीक है। अगर आप इनको समझने की कोशिश करते तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते। ये सच को देखना नहीं चाहते हैं, आप इनके बिना ना खुश हो, बहुत ज्यादा सैड हो, आपके पर्सन आपके बिना सैड है, और आपके पर्सन जो कि सच को इग्नोर करके, अपने दिल के इंट्यूशंस को इग्नोर करके सिर्फ सोच रहे हैं कि काश आप अपनी गलती मानो। आपकी गलती क्या है इस रिश्ते में? करंट एनर्जीज में इनको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है कि जब आपके पर्सन आपसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, जब ये आपको अपनी तकलीफ समझा रहे थे, जब ये आपको बता रहे थे कि ये पर्सन आपको ब्लॉक करते टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपसे मूव ऑन करते टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं है, अकेले पड़ जाएंगे, आप इनका साथ मत छोड़ो, ये मत सोचो कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये कभी भी खुश नहीं थे, ना तब ना अब और ना ही कभी रह पाएंगे। लेकिन आप इस पर्सन की एक भी बात पे ना उस टाइम पे भरोसा कर पाए और ना ही अब कर रहे हो, ठीक है। इनको यही लग रहा है कि अगर ये आपसे रीच आउट भी करते हैं, ये सक्सेस के लिए रिबिल्ड के लिए एफर्ट्स भी लगाते हैं, आप इस पर्सन को पास की बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान करोगे, आप इनको ये फील कराओगे कि इन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती करी थी और उससे बड़ी गलती करी कि वापस आए हैं, इनको ये फील होगा। अगर ये हीलिंग के लिए एफर्ट्स लगाएंगे तो इनको फील हो रहा है कि आप इनको ये रियलाइज कराओगे कि इन्होंने वापस आकर गलती करी है, ठीक है। तो ये इसी वजह से सच का सामना नहीं करना चाहते। सच्चाई है कि इनको आपके सामने आकर, आपके सामने सरेंडर कर आपको दिल से प्यार से समझाना चाहिए, आपको माफी मांगकर आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये माफी नहीं मांगना चाहते हैं, अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप समझो कि इस पर्सन की गलती नहीं थी, आप यकीन करो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता था, आप इसे प्यार करता है और आपके अलावा किसी और का कभी नहीं था। आपको इस बात पे यकीन करना होगा, ये पर्सन चाह रहे कि आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि अगर ये आपसे इतना प्यार नहीं कर रहे होते तो ये आपको इस तरह से ओवरथिंकिंग नहीं करते, आपको इस तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते, आपको छोड़कर जाने के बाद भी, या तो इन्होंने खुद क्लियर बताने के बाद भी कि इनको आपके साथ रिश्ते में नहीं आना है, फिर भी रिबिल्ड के लिए एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, या आपको इस तरह से कुछ भी करके पाना है इस एनर्जीज में नहीं होते। तो अगर ये एनर्जीज इनके अंदर है तो ये आप ही से प्यार करते हैं, ये आपको समझना होगा। तो आप इनकी गलती को क्यों देख रहे हो? ये गलती इनकी नहीं थी, इन्होंने कभी भी आपको दिल से छोड़ना नहीं चाहा था, ठीक है। या तो आपके बचपने की वजह से, या अगर आपके पर्सन पहले से मैरिड थे तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से डरते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको उनके डर को समझना होगा। अगर उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको अपनाएंगे और अगर ये अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आपको इनको टाइम देना होगा। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में रहने के बावजूद आपको धोखा देकर किसी और से शादी करी थी, तो इन्होंने शादी करने का रीजन था इनके घर वाले, जो कि इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर तकलीफ देकर टॉर्चर कर या तो स्पेल्स ब्लैक मैजिक कराकर आपके पर्सन को आपसे दूर लेकर गए। तो इनको अपनी गलती कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है अभी भी, ठीक है। बस इनको इम्पोर्टेंट है करंट में आप, इनको आपकी भी जिंदगी में खुशियां चाहिए, अपनी भी जिंदगी में खुशियां चाहिए, और ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस सैडनेस से बाहर आना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। लेकिन आपके साइड से इनको ब्लेमिंग एनर्जीज नहीं चाहिए। आप इनको ये कह नहीं सकते कि तेरी गलती थी और तूने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था, और अगर तू मुझसे प्यार करता तो तू मुझे छोड़कर ही नहीं जाता और तू किसी और से शादी ही ना करता।
आप इनको ऐसा कह नहीं सकते, और अगर आप इनको ऐसा कहते हो तो इसका मतलब ये निकालते हैं जैसे कि आपका भरोसा ही नहीं है इनके प्यार के ऊपर। तो जहां पे भरोसा नहीं वहां पे आपको मतलब वापस आकर भी क्या फायदा, आपको सपोर्ट कर भी क्या फायदा, आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। इनको आपकी साइड समझ में नहीं आ रही है, इनको आपके साइड से नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, इवन आप अपने पर्सन का दिल से वेट कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से और कोई भी यहाँ पे नहीं है जो आप दोनों को एक दूसरे से या तो कांटेक्ट करा या तो आप दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां करा, एक दूसरे के लिए मैसेंजर बन के काम करे, ऐसा कोई पर्सन भी नहीं है करंट में, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये मेन प्रॉब्लम करंट में है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन, ठीक है। ये रीच आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं गडकरी यूनिवर्स। अगर ये हील करना चाहते हैं रिश्ते को, रीच आउट करना चाहते हैं, अभी करंट एनर्जीज में तो इनके पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 घंटों में इनके एनर्जीज क्या रहेगी, अगले 3 घंटों में इनकी एनर्जीज क्या रहेगी, अगले 3 घंटों में इनको डर लगेगा आपसे बात करने का। अभी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्शन लेने को लेकर कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है। अगले 3 घंटों में जैसे कि मैंने बोला, इनको लगता है कि आपका ट्रस्ट ही नहीं इनके ऊपर, तो ये आपका ट्रस्ट कैसे जीत पाएंगे या आपको कैसे यकीन दिला पाएंगे जो यकीन इन्होंने खो दिया है। इनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है तो ये आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आखिर एफर्ट्स लगाएंगे, तो लगाएंगे कैसे। आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज्यादा डर लगेगा, ठीक है। लेकिन इनको यकीन रहेगा कि ये डरते हैं आपसे, और आपको यकीन, अगर ये आपको कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे अपनी गलती को कि इनकी गलती नहीं थी, और आप इनको अगर समझते तो सब कुछ अच्छा होता, अगर ये आपको ऐसा प्रूफ नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन इनको इस बात का यकीन होगा कि अगर कुछ टाइम ये आपको अपने आप से दूर रखते हैं, अगर आप जैसे कि फ्लो के साथ, मतलब आप भी वेट कर रहे हो कि सही टाइम पे ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, तो ये पर्सन भी अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। दिल से इस रिश्ते को हील करने में इंटरेस्टेड होने के बावजूद ये आपको वेट कराना चाहते हैं ताकि ताकि आप ट्रस्ट कर पाओ इस पर्सन के प्यार के ऊपर, ठीक है। अगर ये आपसे अभी बात करेंगे तो इनको आप अभी भी इनसे बहुत नाराज दिखाई दे रहे हो, इस वजह से ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही अगले 3 घंटों में, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे, जो कि फीलिंग्स रहेगी कमिंग टुगेदर की, रियूनियन की, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव बहुत है, बस इनकी प्रॉब्लम यही है कि आपने इस पे आपने इनके प्यार को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, ठीक है। इनको लगता है जैसे कि चीटिंग तो इन्होंने करी है, लेकिन इनके साइड से अगर हम देखें तो वो चीटिंग नहीं थी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको लगता है कि उनकी मजबूरी थी, इनको ब्लैकमेल किया गया था, जो है इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये करंट पे ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगले 3 घंटों में तो आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये कब तक आपसे बात कर सकते हैं। इनके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होनी है तो ये कब तक हो सकती है, इनके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज कब तक रिलीज हो सकती है, आपके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज कब तक रिलीज होगी। वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन इवेंट विल बी हैपन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन जिस चीज से डरते हैं और आप भी उसी चीज को, मतलब आपके पर्सन इन्होंने जो आपको बुरा पास दिया है उससे डरते हैं और आप भी उसी पास से चिपके हुए हो, उस पास को रिलीज करना होगा, मत होल्ड करके रखो, छोड़ दो। सिचुएशन को आप उस टाइम पे बदल नहीं सकते थे और सिचुएशन को आप आज भी बदल नहीं सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ एनर्जीज को रिलीज कर दो, आपकी जिंदगी में 100% ढेर सारी खुशियां आएगी, आप जो चाहते हो आपको वही मिलेगा। सिर्फ पास को, बुरे पास को रिलीज कर दो और करंट सिचुएशन को चेंज करने की खुद कोशिश मत करो, तब जाके आप जैसे चाहते हो वही आपके रिश्ते में होगा, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग आपको करंट में, मतलब यहाँ पे टाइम नहीं आया है, आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको पास को, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है पास को रिलीज करने की, तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है। आप नहीं रिलीज कर पा रहे हो और इवन आपके पर्सन का डर उसी वजह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रजन उठी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।